ओह तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है शिनचैन और 5 साल का मैं अपने भैया को ढूंढ रहा हूँ। वो लापता हो चुके 100, 101, 102। अरे बाप रे, दिखाई नहीं दे रहे। कहाँ पे हो फ्रैंकलिन भैया? अरे मैं तो यहाँ पुलअप्स मार रहा हूँ। अरे कहाँ पे फ्रैंकलिन भैया, दिखाई नहीं दे रहे? अरे ऊपर दे दो, ऊपर अच्छे से। अरे बाप रे, कहाँ पे हो, दिखाई नहीं दे रहे हो? अरे बाप रे, ये क्या कर रहे हो आप? आप तो गिर जाओगे, उतर जाओगे वहां से। अरे मैं नहीं उतरूंगा। अरे लेकिन अब वो चढ़े कैसे? अरे अब वो मैं कैसे बताऊं, लेकिन अब मुझे उतरने नहीं आ रहे। अरे बाप रे, अब तो आप गए लगता है। अरे फ्रैंकलिन भैया, वो देखो कबूतर आ रहा है ऊपर, जल्दी जल्दी नीचे आ जाओ। अरे कहां है कबूतर? अरे क्या ही पागल हो गया तू, देख मेरा पैर में फ्रैक्चर हो चुका है। अरे फ्रैंकलिन भैया, आप तो इतने फिट हो, आपको कैसे फ्रैक्चर होगा? हाँ ये भी बात तो सही है। अरे फ्रैंकलिन भैया, मुझे मच्छी खाने का मन कर रहा है, प्लीज के लिए स्विमिंग पूल से दिला दो ना। अरे यार ये स्विमिंग नहाने के लिए? अरे बाप रे, मैंने तो कुछ और सोचा था, इसमें मछलियां रहेंगी समझा था मैंने तो चलो ना, हमको फिश दिला दो। अच्छा ठीक है, चल पीछे पीछे आ जा मेरे। अरे आ रहा हूँ, चलो चलो गाइस, अब मछली खाने का मौका मिलेगा, वो भी फ्रैंकलिन भैया के साथ। चलो बाइक लेके जाते हैं। अरे शिनचैन मैं जा रहा हूँ, तू आ रहा है कि नहीं? अरे दीदी आ रहा हूँ, इतने जल्दी क्यों? अरे यार तू जाता है तो बड़ी बड़ी मछली पकड़ने को बोलता है लेकिन खाता नहीं है। अरे खा लूंगा ना, चलो चलो जल्दी से। ये दोस्त, आपको फिश पते नहीं या कुछ और? कमेंट करके बता दीजिएगा और शिनचैन ओपी लिखना ना भूलिएगा। अरे भाई, जब तूने ऐसा काम ही क्या किया है जो शिनचैन ओपी लिखे ये सब? अरे मैंने बहुत बढ़िया काम किया है, क्योंकि मैं YouTube पे आता हूँ ना, इसीलिए। हाँ भाई वो तो सही बात है। तो गाइस आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अरे फ्रैंकी भाई, अब स्टार्ट करो फिशिंग करना। हाँ अब जा रहा हूँ मैं, जल्दी से फिशिंग करता हूँ। अरे बाप रे गाइस, आप लोग देख सकते हो फ्रैंकलिन भैया ने स्टार्ट कर दिया है फिशिंग करना। अरे यार पकड़ में आई। अरे 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 मैं खींच रहा हूँ। अरे फ्रैंकलिन भैया खींचे भी जल्दी जल्दी से। अरे यार ये मेरे हाथ में नहीं आ रही शिनचैन, तुझे नीचे जा के लाना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे शिनचैन तुझे खाना है तो लाना पड़ेगा, देख मैं खींच रहा हूँ, तू जा जब तक। अरे ठीक है जा रहा हूँ। अरे बाप रे गाइस, ये कितना ठंडा पानी है और ये मैं नीचे आ गया। अरे यहाँ पे क्या, चलो यही लगता है मुझे। अरे लेकिन ये तो एग है। चलो फ्रैंकलिन भैया को जल्दी से लेके जाता हूँ इस एग को देने। चलो गाइस मैंने इस एग को अपने सर पे लगा लिया है, चलो जल्दी से जाते हैं। अरे शिनचैन तू आ गया लेकिन मैंने मछली अभी तक नहीं पकड़ी, और ये क्या है तेरे सर में? अरे ये अंडा है, चलो इसी से काम चला लेते हैं, मछली पकड़ में नहीं आती है तो। हाँ चल भाई, इसी को पका के खा लेंगे। चल चल चल, मुझे भी बहुत भूख लग रही है, ब्रेड है ना घर पे? अरे हाँ है, चलो आधा आधा करके खा लेंगे। तो गाइस ये देखो हम लोग आ चुके हैं, अब जल्दी से लकड़ियों पे आग लगाते हैं और इस अंडे को फ्राई करके खाते हैं। अरे हाँ चलो चलो जल्दी से। अरे बाप रे गाइस, आग लग चुकी है, चलो ये संडे को डालते हैं। देख के शिनचैन ध्यान से डालना। अरे हाँ डाल रहा हूँ ना, रुक जाओ। अरे ये देखो गाइस, मैंने इसको आग के अंदर डाल दिया है और धुआं धुआं भी निकल रहा है, कितना मस्त लग रहा है ना। अब अंडा खाऊंगा ब्रेड के साथ ये। अरे ये क्या निकल रहा है? अरे भाई साहब, अरे फैकी भैया ये क्या हो रहा है? अरे ये हिल क्यों रहा है इतना? अरे ये कहाँ आ गया मैं? अरे ये कौन है? और ये देख कितना कार्टून जैसा लग रहा है, गोल्डन कलर का। अरे मैं हूँ एक जादूगर। क्या तू एक जादूगर है लेकिन तू तो कार्टून लगता है। अरे हाँ ये तो कार्टून है। अरे मैं कार्टून नहीं, मैं एक जादूगर हूँ। अरे लेकिन मैं कैसे मान लूँ कि तू एक जादूगर है? अरे मैं इस प्लैनेट से नहीं हूँ, मैं तो दूसरे प्लैनेट से हूँ। मेरा गोल्डन वाला घर था, गोल्डन ही गोल्डन है मेरे पास, मैं कैसे मान लूं, कितने बार बोलूं मैं। अरे हाँ तू तो पागल है, रुक जा अभी बताता हूँ मैं। अरे फ्रैंकी भैया इसने दुकान पकड़ लिया, लगता है मारने आ रहे। अरे नहीं नहीं नहीं, ये मारेगा नहीं, ये कार्टून दिखता है, ये क्या बोले करेगा। अरे रुक जा, ये दोनों कुर्सियों को गोल्ड में कन्वर्ट कर देता हूँ। अरे बाप रे गाइस, इसने तो सच में गोल्ड में कन्वर्ट कर दिया है ये चेयर्स को। अरे भाई साहब मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है। अरे देखा मैंने बोला था ना, और क्या चाहिए तुझे जल्दी बोल, लेकिन तुझे मेरे घर को भी छोड़ना पड़ेगा। क्या तुझे मैं घर पे भी छोड़ूं? अरे हाँ छोड़ना पड़ेगा, मैं अर्थ के बाहर रहता हूँ। अरे ठीक है, मैं भी टोक्यो में रहता हूँ। अरे लेकिन वो तो अर्थ में ही है ना। अरे तो उससे क्या हुआ, हम दोनों अलग अलग शहर में रहते हैं। अरे तू तो पागल ही लगता है। अरे बाप रे फ्रैंकी भी ये मुझे पागल बोल रही। अरे यार शिनचैन छोड़, इससे पैसे निकालते हैं हम लोग। बोला तो ने पैसे निकालेगा मुझे। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था कि मेरे कुछ कार्स है उसको भी गोल्ड में कन्वर्ट कर देना। अच्छा अच्छा ठीक है,
तो गाइस ये आ रहा है बैठने, चलो देखते हैं। ओह माय गॉड, तो गाइस आप लोग देख सकते हो ये तो गोल में कन्वर्ट हो चुका है। तो चलो अब इसको जल्दी से कार के शोरूम में जाता हूँ और वहां पे सीमेंट के पूरे कार्स को मैं गोल में कन्वर्ट कर दूंगा, और जब वो गोल में कन्वर्ट हो जाएगा ना तब वो मुझे पैसे दे देगा और पैसों का हम लोग ऐश करेंगे। अरे क्या बोल रहा है तू, पागल वागल हो गया है क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं पागल नहीं, मैं तो बस तुझसे पैसे निकालना चाहता हूँ। तू हमारी हेल्प करेगा तो हम लोग भी तेरी हेल्प करेंगे, हम लोग तेरी मदद करेंगे स्पेस में जाने के लिए। अच्छा अच्छा ठीक है, बस यही कार करूंगा मैं। हाँ ठीक है, यही कर देना, चल चल अब जाते हैं यहाँ। अच्छा ठीक है, हम लोग आ चुके हैं अब यहाँ पे। चलो अब ये रहा वो ओनर जो के पास ये सब कार्स है, और इसके पास तो आज बहुत कार्स है। अरे यार आज कहाँ से ये गोल्डन वाली कार लेके आ गया, वो आज किसके पास चोरी किया है तुमने? अरे यार मैं तुझे चोर लगता हूँ क्या? मैं तेरे कार्स को गोल्ड में कन्वर्ट कराने आया हूँ, लेकिन मैं उसके लिए पैसे लूंगा। अरे जा कहाँ से आया है, कौन सा कार्टून देख के आया तू? अरे यार मैं कार्टून नहीं, मैं सच में बोल रहा हूँ, तुझे यकीन नहीं होता है? रुक जा अभी बता दो, मेरे पास एक ऐसा चूजा है जो घटते ही गोल में कन्वर्ट कर सकता है, कर देता है सब कुछ। या अगर वो कर देता है तो ये कार्स को भी गोल में कन्वर्ट करा दे, मैं इसके 1500 मिलियन डॉलर्स दूंगा। क्या 1500 मिलियन डॉलर्स? अरे वो कितना होता है? अरे यार तुझे नहीं पता है, तू तो यहाँ का नहीं है ना। अरे तेरे लिए कर देता हूँ। अरे ये ही है क्या वो चूजा? अरे मुझे चूजा बोल रहा है, बहुत मार खा। अरे सॉरी कर दे भाई। दो एक दो तीन चार, अरे ये चढ़ क्यों रहा है? अरे यार तुझे गोल्ड से मतलब है ना? अरे वाह ये तो पूरे गोल्ड में कन्वर्ट कर दिया, ये चूजा तो बहुत बढ़िया। अरे अब तू मार ही खाएगा। चूजा मुझे दे दे फ्रैंकलिन, मैं तुझे इसके 1,00,000 डॉलर दूंगा, बोल देगा? अरे नहीं नहीं नहीं, इसको ये यहाँ का नहीं है, मुझको इसको दूसरे स्पेस में भेजना पड़ेगा। अरे जाने देना, इसको बंदी बनाते हैं, लॉस एंजेलिस का सबसे बड़ा आदमी बन जाते हैं, क्या बोल रहा है? अरे नहीं यार नहीं होगा मुझसे। अच्छा ठीक है भाई, तेरे 1500 मिलियन डॉलर्स भेज दे रहा हूँ। अच्छा ठीक है मैं भी चलता हूँ, थैंक यू। अरे अरे ऑफर को याद रखना। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं इसको अभी जाके भेज दे रहा हूँ। अरे चलो चलो मुझे बहुत भूख लग रही है। अरे हाँ भाई तुझे खिला देंगे कुछ, और चल यहाँ से यहीं पे लगता है। ओ भाई साहब ये रहा बारबेक्यू वाला बर्गर, तो चल उतर जल्दी से। अरे अब तो बर्गर खाऊंगा, वो क्या होता है? अरे दो बन के बीच में एक पैटी रहता है, आलू रहता है, टमाटर रहता है, सब रहता है। अरे अरे अच्छा ठीक है भाई, 3 बर्गर लगाना। ओके ओके भैया लगा रहा हूँ अभी। उस फ्रैंकलिन बच्चे को तो मैं देख लूंगा, मैं उस चूजे को नहीं जाने दूंगा। ओ भाई साहब आप मेरी मदद करोगे क्या? अरे कैसी मदद, बोल, तेरा भाई है माफिया, सबको कर देगा गाफिया, मतलब अंदर कर देगा, बोल बोल जल्दी। अरे यार तूने देखा ना अभी? अरे मैंने सब देखा, बस अंधेरा कर रहा था। तुझे वो चूजा चाहिए ना, आधा आधा बांट लेंगे। अरे अरे हाँ आधा आधा बांट लेंगे। अच्छा ठीक है मैं चल मेरे साथ, तू भी उस चूजे को अभी लेके जाता अपने मैंशन में, उसको कन्वर्ट कराते अपने कार्स को गोल्ड में। अरे ये तो यहीं रहा वो चूजा, करो करो गाड़ी रोक जल्दी से। अरे अरे हाँ ये तो यहीं पे अपने को बढ़िया है। अरे ओ फ्रैंकलिन भाग यहाँ से। अरे ये क्या कर रहा है तू? अरे ओ सिंचन तू भी जा यहाँ से। अरे नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता है, मैं तुम्हें मार दूंगा। गाइस मारो इसे, और ये ले बच्चू भाग जा यहाँ से। अरे बाप रे इसने तो मुझे मार डाला। और ये चूजे का बच्चा, हा बेहोश हो गया है, चलो इसको अंदर डालो जल्दी से। ओके बॉस अंदर डालते हैं। अरे ये कहाँ ला दिया तुम लोगों ने मुझे? ओए ज्यादा मत बोल, जल्दी से ये सब कार्स है ना, इन सबको गोल में कन्वर्ट कर, नहीं तो। अरे मैं नहीं करने वाला, क्या कर लेगा? अरे यार फ्रैंकी भैया क्या हो गया था अभी? और मुझे क्या हो गया था? अरे यार तुझे अभी एम्बुलेंस में मैं बिठा के लेके गया था हॉस्पिटल, तेरा इलाज करवाया मैंने। अरे क्यों फ्रैंकी भैया ने, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। अरे यार तुझे पता है ना वो जादू? अरे हाँ, अरे बाप रे अब याद आया, उसको कहाँ लेके गए? अरे यार मुझे पता है, अरे उसको ना स्काई माफिया लेके गया अपने घर। अरे बाप रे मैंने अंडर वाटर माफिया सुना है, लेकिन ये स्काई माफिया कौन है? अरे उसका भाई है, और वो बहुत ही ड्रग माफिया है। अरे रे लेकिन कैसे बचाएंगे उसको हम अब?
जैन चिंता मत कर, मेरे पास गन्स है ना, उसी गन्स को उसको खत्म कर देंगे और उस जादू को हम लोग भेज के ही रहेंगे। अरे हाँ फेंगी भैया, भेज के ही रहेंगे। आज हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, आप लोग देख सकते हो। अरे फेंगी भैया धीरे धीरे जाते हैं, वो लोग बहुत लोग है। अरे हाँ यार, और ये जादू के साथ क्या कर रहे हैं वो लोग? अरे बाप रे। अरे फेंगी भैया चलो जल्दी से अब मारते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे कितने सारे कार्स हैं भाई सब, बहुत मजा आ रहा है। चल इस कार के पीछे छुप जाता। और वो रहा सिमियन, रुक जा उसको अभी बताता हूँ मैं। और ये ले बच्चू तेरी ऐसी तैसी, मैंने उसको खत्म कर डाला। अब चार के चार ये काई अंडरवाटर माफिया को मारा मैंने और इसके पंटर लोगों को। चलो इन लोग तो खत्म हो चुके हैं। अरे यार फ्रैंकलिन, तूने मेरी मदद करके बहुत बढ़िया काम किया है, लेकिन मैं अब जाना चाहता हूँ यहाँ से, मेरे मम्मी पापा वेट कर रहे हैं। अच्छा ठीक है भाई, अब मैं तुझे पहुँचा देता हूँ। तो गाइस आप लोग देख सकते हो, अब जादू अपने घर जा रहा है, इसको बाय बोल दिया हम लोग। चलो अब हम भी जाते हैं यहाँ से। तो गाइस ये रहा हमारा नया घर, और ये एवेंजर्स थीम है। अरे बाप रे बाप, ये एवेंजर्स थीम है, मुझे तो बहुत बढ़िया लगता है। मार्वल एवेंजर्स गाइस, ये और ये क्या है? ये नहाने के लिए इतना बड़ा। अरे बाप रे, इतना बड़ा है तो मेरा रूम ही था। अरे हाँ यार, इतना बड़ा हमारा रूम था उस घर में। और देख नीचे इतना बड़ा कुत्ता, और भाई साहब पियानो मियानो सब। अरे हाँ हाँ, और ये रूम गेमिंग के लिए है। हाँ और ये रूम गेमिंग के लिए, और ये वाला रूम देख लेते हैं क्या है इसमें। अरे भाई प्री, इसमें तो पूरी औजार है। अरे हाँ भाई, इसमें तो पूरों का मास का औजार है। तो गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये है हमारे गोल्डन कार्स, और जो गोल्डन कार्स वहाँ पे थे ना, और जो माफिया के कार्स थे वो वहीं पे, और वो घर भी हमारा, ये नया वाला घर हमने लिया है। एक और ये कैसा लग रहा है कमेंट करके बता दीजिएगा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।